हाय फ्रेंड्स, तो आज अपने वीडियो में आज हम रिव्यू करेंगे जियो का जियो फाई या फिर हम इसे जियो डोंगल भी बोलते हैं। तो ये देखिए, मैं एक बॉक्स इसे मैंने परचेस किया है सीधे स्टोर से। अब इस पे आपको देखो, आपको ये MRP दिख रहा है 4499, ठीक है। राइजन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर्ड है और कम्युनिटी राउटर M2S ब्लैक, ठीक है। ये आप पूरी डिटेल इसमें ले सकते हैं, कस्टमर केयर नीचे लिखा हुआ है 1800889 और 9999। ईमेल आईडी भी दिया हुआ है care@jio.com, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। पूरे यदि बॉक्स पे हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है जियो डिजिटल विथ लव फॉर्म जियो इसे, और ये सब इसके फीचर्स है। देखिए, क्रिएट योर ओन स्पॉट, कनेक्ट अप टू 31 डिवाइसेस, 23,000 mAh बैटरी है, सपोर्ट माइक्रो SD कार्ड अप टू 32 GB, इनेबल HD वॉइस एंड वीडियो कॉल और एनी एंड्रॉयड स्मार्टफोन। इसके लिए आपको जियो कॉल डाउनलोड करना पड़ेगा और वायरलेस शेयरिंग थ्रू SD कार्ड। तो ये सब आपको इस बॉक्स के आसपास दिख रहा है, इसे हम जियो फाई बोलते हैं, योर पर्सनल हॉटस्पॉट M2S। तो मार्केट में अभी आपको ये 3000 या 2800 के बीच में मिल सकता है। और इसके अंदर बॉक्स के अंदर हम देखें तो ये डिवाइस आती है इस तरह की, कॉम्पैक्ट है डिवाइस है ना। इसका साइड में WS बटन है, ये सब बटन के बारे में मैं आपको बताता हूँ अभी। साइड में इस लेफ्ट हैंड साइड में चार्जिंग है, सॉकेट ऊपर कुछ नहीं है और नीचे भी कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक यहाँ बटन है, इसको बटन को प्रेस करेंगे तो पावर ऑन ऑफ होगा लॉन्ग प्रेस पे, और शॉर्ट प्रेस पे बैकअप हो जाएगा, ठीक है। और ये सब चीज़ें मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, और इस बॉक्स को यदि हम ओपन करें तो इसके अंदर कुछ यूज़र मैनुअल रहेंगे, कुछ ये सब चीज़ें, और मेन जो चीज़ रहेगी वो रहेगी अपना चार्जर, ठीक है। चार्जर का पिन जो रहेगा, ये इधर से USB है एक साइड से, और दूसरे साइड से आपको मिलेगा माइक्रो, ठीक है, ये वाला नॉट सी टाइप, ओके, माइक्रो वाला। और इसका लेंथ यदि हम देखें तार का, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, करीब मैं कहूँगा 1 मीटर है करीब, ठीक है, 1 मीटर वायर मिल जाएगा। और इसमें भी आपको इस तरह का एक ये ट्रेवलिंग चार्जर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का आपका डिवाइस रहेगा मस्त। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसको ओपन कैसे करना है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे साइड में, तो एक छोटा सा एक ये यहाँ पर होता है, ठीक है, इसको ओपन करके हम इसका ये कवर पीछे का निकाल सकते हैं। लेट मी शो यू, ये देखिए ना, यहाँ से भी इसे ओपन करेंगे तो धीरे से ये कवर ऐसे निकल जाएगा, और अंदर इस टाइप का कवर ये निकल जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर सीधे ये बैटरी रहेगी, यदि बैटरी अलग से है तो इसे आप इंसर्ट कर लीजिएगा। बैटरी का भी बता देता हूँ कितना है, ये देखिए। तो यहाँ पर नैनो सिम इंसर्ट होगी जो कि जियो की ही रहेगी इस जगह पे, इसे आप इजीली फिट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ओपन करके ये ऊपर हो जाएगा, और फिर ये आगे पीछे स्लाइड करके इसको ओपन कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको माइक्रो SD कार्ड रहता है, ठीक है, बाकी कुछ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, ठीक है। ये जो नया वाला दिख रहा है, तो यहाँ पर दो चीज़ें आती है, एक माइक्रो SD कार्ड और सिम। तो जियो सिम ही लगानी है आपको, जो कि नैनो सिम लगेगी। और इसके बाद जैसे कि ये बैटरी हमें इंसर्ट कराना है, तो हम यहाँ देखेंगे ये 3 जो दिख रहे हैं पॉइंट्स, इन 3 पॉइंट्स को हम इस 3 पॉइंट से ऐड करके इसे ईजीली फिट कर सकते हैं। तो हम इसको चेक करके, ये WPC इधर ही आएगा, है ना, इसको लिया, इसका जो चार्जिंग सॉकेट है उसे देख के आप आराम से फिट कर दीजिए। ये हो गया फिट चारों तरफ से। अब इसमें आपको ये मैं बता देता हूँ, जब आप फर्स्ट टाइम चालू करते हैं तो आपको ये बटन चालू करना है, ठीक है। जब आप बटन चालू करेंगे तो ये चारों बटन इसमें शो होंगे। ये है आपका नेटवर्क का, जो आपका मोबाइल नेटवर्क जियो का कैसे है। आपका ये जो दूसरा बटन है, ये आपको जो डेटा ऑन रहता है मोबाइल डेटा, तो ये चालू दिखता है। और ये थर्ड है आपका वाईफाई का सिग्नल, और ये WPS का। तो
डब्ल्यू एस मीन नथिंग बट जब आप यदि आपका कनेक्ट नहीं होता तो फास्ट कनेक्ट के लिए आप इसे दबा दीजिएगा इस बटन को, डब्ल्यू एस बटन को, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ब्लू सिग्नल मतलब आपका नेटवर्क अच्छा है। और इसमें भी आप देखिए पावर ऑन ऑफ, लॉन्ग प्रेस पावर ऑफ और शॉर्ट प्रेस से वेकअप, ठीक है। सिर्फ ये बटन नहीं है, ये आपका इंडिकेटर है ओनली, बटन सिर्फ यहाँ पर वन है और साइड में डब्ल्यू एस का बटन है। ये जब आप कनेक्ट करते तो एक बार दबा दीजिएगा। यदि आप डब्ल्यू एस क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला ऑन दिखेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कि ये कनेक्ट कैसे होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि इसको मैं ओपन करता हूँ। जब फर्स्ट टाइम आप ये लेते हैं तो आपको क्या करना है कि अब देखिए, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें जो काम की चीज़ें हैं वो SSID है। जब आप कनेक्ट करते हैं तो आपका वाईफाई इसी नाम से दिखेगा, जो SSID है उसका पासवर्ड रहेगा जो नीचे दिया हुआ है। सिस्टम लॉगिन मतलब आप फर्स्ट टाइम जब लॉगिन करते हैं तो HTTP/geofile/local/HTML डालेंगे, उससे हम पासवर्ड चेंज कर लेंगे और यूज़र नेम पासवर्ड owner, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो मैं सीधे आपको लैपटॉप ले जा रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम आप जब लॉगिन करेंगे geofile/local/html पर तो आपको ये वाला वेब पेज दिखेगा। यहाँ पर आप अपने साइन इन पासवर्ड मतलब owner से आप साइन इन कर लीजिए। लेकिन मेरे केस में मैंने वो चेंज कर दिया है पासवर्ड, तो मैं आप अपने केस में जो लिखा है वो डाल दीजिएगा तो आपका लॉगिन हो जाएगा। जैसे कि मैं मेरा पासवर्ड डाल देता हूँ जो मैंने चेंज किया था बाद में। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट टाइम owner से या जो भी आपको पासवर्ड लिखा हुआ है उससे जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा पेज दिखेगा, ठीक है। और इसके बाद जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा। तो आपको यूज़र नेम तो सेम रखना है owner, लेकिन पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी कर सकते हैं चेंज। और जब फिर से साइन इन करेंगे तो आपको ये वाला पेज दिख जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन रहते हैं, डैशबोर्ड है, नेटवर्क है, ठीक है। नेटवर्क का जो WLAN नेटवर्क है, कनेक्टेड डिवाइस है, जियो डिवाइस है ना, और यूटिलाइजेशन। इसका सेटिंग में आप अपना जो सेलर में जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें डिटेल्स दिखेगी। वाईफाई में जब जाएंगे सेटिंग के तो आप देखेंगे यहाँ पर ये geofile, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ और नाम था मेरे SSID का, तो वहाँ पर मैंने जो यूज़र में फ्रेंडली नहीं था तो मैंने अपना चेंज कर दिया, ठीक है, वाईफाई SSID नेम। और जो पासवर्ड जो मुझे दिया था वो भी मैंने चेंज कर दिया था। तो आप देखेंगे कि ये जो पासवर्ड मैंने बदला है, और पासवर्ड बदलने के बाद फिर आप इसको यहाँ पर सेव कर लीजिएगा। तो ये जो आप जब कनेक्ट करेंगे अपना वाईफाई तो उसके लिए उसका नाम और उसका पासवर्ड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जो सेटिंग है पासवर्ड की वाईफाई की वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि मैं आपको बोलूँ कि आपको यदि कुछ इसमें क्वेरी है, कंसर्न है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो मुझे क्वेरी और कुछ भी इसमें पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई दूँगा। और ये आपको मैं खासकर मतलब ये बता देता हूँ कि आप फर्स्ट टाइम जब चेंज करेंगे तो आपको सिर्फ यूज़र नेम चेंज सेम रहेगा, सिर्फ पासवर्ड आपको चेंज करना रहता है इस लोकल वाईफाई लोकल HTML पाने के लिए, ठीक है। बाद में आप वाईफाई का जो सेटिंग है वो यहाँ से कर सकते हैं, सेटिंग के अंदर वाईफाई के अंदर जाके, ठीक है, ओके। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छा लगा होगा। और जो ये इसे हम डोंगल भी बोलते हैं और इसका geofile भी बोलते हैं, ठीक है। बाय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगे तो, और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय फ्रेंड्स।